सबसे पहले यहाँ पे 70 किलो बर्फ ली जाती है, जिसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है। यह है वो कंटेनर जिसके ऊपर आइसक्रीम बनाई जाती है। तो यहाँ पे लेयर्स में काम होता है। लगभग 70 मिनट बाद ये देखिए कंटेनर पूरा तैयार हो जाता है। तो भाई ऐसे ना फ्रूट की यहाँ पे लेयर बना ली जाती है। आप देखोगे कलर चेंज होता रहेगा। पहले ये येलो कलर का था, ऊपर से हल्का हल्का यहाँ पे ऑरेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जब सारे फ्रूट ये लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद एक और लेयर यहाँ पे बनाई जाती है रबड़ी की। यहाँ पे देखो ये ना खुरच खुरच के ऐसे निकाली जाती है। इसलिए भैया खुरचन भी बोलते हैं इसे।